हेलो फ्रेंड्स, तो कमेंट करना कि कौन सा एम्पलीफायर बेस्ट होने वाला है। तो BTJ 10,000 मॉडल में है जो कि 1000 वाट का, SPA 10,000 मॉडल जो कि 1000 वाट में होने वाला है। ड्यूअल जोन वर्सेस सिंगल जोन, इसके बीच मैंने एक कंपेयर काफ़ी तगड़ा वाला निकाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, फुल इन्फॉर्मेशन है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं BTJ 10,000 मॉडल में 1000 वाट का जो होने वाला है, ड्यूअल जोन होने वाला है। इसका पर जोन 500 वाट तक देता है RMS पावर के साथ। इसका मैक्स आउट पावर की बात करते हैं 750 पावर देता है, और इसका ये खास बात है। और इसमें फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो 50 से 15,000 हर्ट तक देता है, और इसका वेट काफ़ी हल्का 40 केजी के आसपास देखने को मिलता है। बात करते हैं इसकी बैक साइड की, तो हमें सबसे पहले LT के लिए दिया है 70 से 100 वोल्ट तक इसका कनेक्शन देखने को मिलता है। और टॉप के लिए हमें 4 ओम 8 ओम को लिए दोनों जोन में देखने को मिलता है। और इसका कुछ कनेक्शन के लिए हमें दिया हुआ है, लाइन इन लाइन आउट के लिए इनपुट भी दिया हुआ है, और इसे फिर एम्पलीफायर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक फ्यूज देखने को मिलता है इसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट एम्पलीफायर जो SPA 10,000 मॉडल में देखने को मिलता है, जो कि 1000 वाट का होने वाला है RMS पावर के साथ। इसका मैक्स आउट पावर जो होने वाला है हमारे पास 1350 वाट तक होता है भाई लोग, और इसका फ्रीक्वेंसी जो होने वाला है 50 से 15,000 तक होने वाला है। इसका वेट भी काफ़ी हल्का 41 केजी के आसपास होने वाला है। बात करते हैं इसके बैक कनेक्शन, तो हमारे LT के लिए 17 से 100 वोल्ट तक देखने को मिलता है। टॉप के लिए हमें 2 से 4 ओम तक को देखने को मिलता है, और इसमें स्पेशल बात है कि DC MCB भी लगा होता है, और इसका XLR पिन के साथ कनेक्शन को और मोनोकोड के साथ भी देखने को मिलता है। बात करते हैं मार्केट में इनकी प्राइस की, तो BTJ का प्राइस देखने को मिलता है अप्रोक्स 43,500 के आसपास में, और SPA का मार्केट में अप्रोक्स प्राइस होता है 40,500 के आसपास में। तो गाइस कमेंट करना वीडियो कैसा रहा, कौन सा एम्पलीफायर आप लाइक करते हो, और फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।